गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। आपको मालूम है हमारे पूर्वज कहा करते थे सभी रोग जो है पेट से शुरुआत होते हैं। हाँ, दिस इज ट्रू। इफ यू टेक योर बॉडी एंड माइंड एज अ फिजिकल एंटिटी, एक फिजिकल एंटिटी है, तो आपकी सारी जड़ जो है पेट से शुरू होती। सो पेट का मतलब क्या हुआ? हाँ, इट इज मेटाबॉलिज्म। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 6 लेवल पे होता है। 6 लेवल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हैपन एंड देयर आर 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज व्हिच गेट फॉर्मड इन योर बॉडी। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 6 चीजें पैदा होती हैं और आपको ये 6 मेटाबॉलिज्म लेवल, मेटाबॉलिक लेवल चाहिए। क्या क्या? देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। अब आप बोलेंगे ये क्या है? तो आपको तो ट्रेनिंग मिली नहीं है इस चीज में। सो बट दिस इज साइंस। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? पेट से शुरू। लेकिन इस पेट से प्रॉब्लम शुरू करने के लिए क्या किया गया? आपको बचपन से दवाई खिलाई गई। तो आपका गट माइक्रोबायोटा ठीक नहीं है, यानी आपके शरीर में जो कीटाणु होने चाहिए ना, जो पाचन में मदद करते हैं, वो कीटाणु केमिकल से मर जाते हैं, तो आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। तो अब आपके बेसिकली प्रॉब्लम कहां पे है? आपके ऑर्गन्स वीक हो गए, आपका हार्ट वीक हो गया, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ भी खाओगे वो ठीक से आपके बॉडी में जाएगा नहीं, टिश्यू हमेशा डेफिशिएंसी बनी रहेगी। आपके पूर्वजों को अच्छा भोजन नहीं मिलता था मगर उनको कोई डेफिशिएंसी नहीं थी। आप आज पता नहीं क्या क्या खाते हैं मगर सारी डेफिशिएंसी यही है, आज ही है। तो मेटाबॉलिज्म वीक है, एब्जॉर्प्शन वीक है, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को बिगाड़ दिया है ना, डिटॉक्स एस्पेक्ट को बिगाड़ दिया। अगर इतनी सारी चीजें हम करें, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाए हमारा, यानी कि आपके शरीर में कोई भी चीज अब ठीक से फ्लो नहीं हो। आप फूड खाएंगे उसके बाद उसको न्यूट्रिशन बनना चाहिए, अलग अलग जगह पे जाना चाहिए, रीजनरेशन करना चाहिए बॉडी का, ये सारा फ्लो बिगड़ गया। तो अभी क्या करना है, क्या करना है? जठराग्नि बढ़ानी पड़ेगी, गारे पत्ते अग्नि बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, आपको कैसे बढ़ानी पड़ेगी? आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक जवान इंसान को छू के देखे, टच अ यंग पर्सन एंड टच एन ओल्ड पर्सन, एक बूढ़े इंसान को छू के देखे, दोनों में क्या फर्क नजर आएगा? व्हाट विल द डिफरेंस क्या होगा? एक जवान इंसान का शरीर गर्म होता, एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता। तो व्हाट हैज बीन लॉस्ट थ्रू द एजेस? उम्र के साथ क्या घट गई? जठराग्नि घट गई, मेटाबॉलिक हीट कम हो गया। अब एक काम करें, सांस रोके थोड़ी थोड़ी देर, जितना आप आराम से रोक सकते हैं, डू इट फॉर 5 to 10 minutes, 5 से 10 मिनट कर लीजिए काम, यू विल सी योर बॉडी विल बिकम हॉट, आपका शरीर गर्म हो जाए। तो जैसे कुंभक हम करते हैं, पहली चीज क्या करते हैं, ये इसको, इस अम्ब्रेला को गार्ह्य पत्य अग्नि कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अग्निज इन योर बॉडी, इट इज नॉट फायर बट बेसिकली अ फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 12 तरीके की अग्नियां होती है, इस अम्ब्रेला को हम कहते हैं गार्ह्य पत्य अग्नि। तो कुंभक का सबसे पहला रिजल्ट क्या होता है? गार्ह्य पत्य अग्नि बढ़ जाती है। तो आपको देखने को क्या मिलेगा? आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी, और क्या देखने को मिलेगा? एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, भूख आपको जो नहीं लग रही थी भूख लगने लग जाएगी, हंगर, गुड हंगर क्वोशेंट विल इंक्रीज, डाइजेशन इंप्रूव होगा, एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगा, डेफिशिएंसीज खत्म हो जाएंगी। इफ्लक्स, आपके बॉडी जो है बाहर टॉक्सिन्स फेंकने लगेगा, योर स्ट्रेंथ ऑफ डिटॉक्स विल इंक्रीज, राइट, and thereby strength of regeneration and degeneration both will get into balance. आपका autoimmune disorder ठीक हो जाएगा।